एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था, बहुत मेहनत करता, तब जाकर दो वक्त की रोटी मिलती थी। एक बार उसने अखबार में पढ़ा कि शहर में एक नौकरी निकली है चपरासी की, तो उसने सोचा क्यों ना इंटरव्यू दिया जाए, और वो शहर चल पड़ा और वहाँ जाकर उसने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू पास भी हो गया और सब लोग उससे बहुत इम्प्रेस हुए। लेकिन तभी वहाँ पे उससे ईमेल आईडी मांगा गया। उसने कहा मेरे पास ईमेल आईडी तो नहीं है। तब उन्होंने कहा दुनिया इतनी आगे पहुँच गई और तुम्हारे पास ईमेल आईडी नहीं है, तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती। लड़का बहुत उदास हो गया और उस ऑफिस से बाहर निकल आया। तब उसे बहुत तेज भूख लगी, उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो देखा सिर्फ 100 रुपये थे। उसने सोचा अगर मैं 100 रुपये का खाना खा लूँगा तो अगले दिन कैसे क्या करूँगा। तो उसने देखा कि एक सेब वाला सेब बेच रहा है, उसने वहाँ से 2 किलो सेब खरीदे और उन सेब को घर घर जाकर बेच आया, उसे 40 रुपये का फ़ायदा हुआ। उसने उन पैसों से खाना तो खाया और बाकी प्रॉफिट से और सेब ले लिए और उन सेबों को फिर वो घर घर जाकर बेचने लगा। इस तरीके से वो रोज करने लगा ऐसा, और धीरे धीरे उसने एक दुकान बना ली और उसके बाद दूर दूर तक वो सेब बेचने लगा और इस तरह से वो एक दिन अरबपति बन गया। एक बार टीवी वाले उसका इंटरव्यू लेने आए, इंटरव्यू लिया, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ। और जब इंटरव्यू खत्म हो गया तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि सर क्या आप अपना ईमेल आईडी हमें देंगे। तब उसने कहा मेरे पास तो कोई ईमेल आईडी नहीं है। तब वो जर्नलिस्ट बहुत हैरान हुआ, बोला कि आप इतने बड़े आदमी हैं और आपके पास ईमेल आईडी नहीं है। तब उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा अगर मेरे पास ईमेल आईडी होता तो आज आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले पाते, मैं एक चपरासी होता। मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों यही है कि कभी कभी हमारे ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं, ऐसे काम आते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हम कामयाब होंगे और हम कामयाब नहीं हो पाते हैं और हम समझते हैं कि वही हमारी आखिरी मंजिल है, पर नहीं दोस्तों, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि पता नहीं कौन सा रास्ता हमें कामयाबी दिलवा देगा। इसलिए हमेशा ज़िंदगी में कोशिश करते रहिए और कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी, इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।